नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक निकाय के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह जी। तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी किताब के बारे में और हमारी विधानसभा के बारे में। तो नमस्कार सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सर। आपको सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप मध्य प्रदेश विधानसभा की फिर से जो कमान है, प्रशासन है, वो आपके हाथ में आ गया एक ये एक साल के लिए, और दूसरा आपकी जो अभी नई किताब है उसके बारे में आपको बहुत बहुत बधाई। तो सर, हम शुरुआत करेंगे आपकी किताब से। जो विधानसभा में आपने जो इतना समय बिताया और जितना भी आपको विधानसभा से जुड़ा जो भी आपके नॉलेज था उसको आपने इस किताब में संजोने की कोशिश की है, तो ये जो आपकी किताब है विधानमंडल पद्धति एवं प्रक्रिया, इस किताब को लिखने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? देखिए, क्या है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि कोई भी ज्ञान हो बहुत विस्तृत होता है। जी जी जी। इसी तरह से संसदीय ज्ञान की भी यही स्थिति रहती है। तो चूंकि हमने संसद सचिवालय से सेवा प्रारंभ की और फिर हम यहाँ आए, तो हमारे जो खास तौर से जो नव निर्वाचित विधायक गण होते हैं उनकी ये जिज्ञासा रहती है कि हम कैसे प्रभावी ढंग से अपनी बात सदन में रख पाएं या जनहित के मुद्दे कैसे वहां उठा पाएं और प्रक्रियाएं विभिन्न किस तरह से रहती हैं। तो एक सरल भाषा में एक किताब हमको आप क्यों नहीं लिख देते, ऐसा वो बार बार हर बार उन्होंने हमको ध्यान दिलाया कि साहब आपका अनुभव काफी लंबा है, वहाँ संसदीय उसका भी रहा है, ऐसा बहुत कम होता है कि संसद में भी रहे हों और विधानसभा में रहे हों, तो आप दोनों जगह आपका अनुभव है, तो अब एक अच्छी एक किताब एक हम लोगों के लिए लिख सकते हैं। अब चूंकि विधानसभा की वर्किंग सभी सचिवालयों से बिल्कुल भिन्न रहती है, व्यस्तताएं काफी रहती है, तो उतना समय मिल नहीं पा रहा था, पर धीरे धीरे हम कुछ सामग्री कुछ अनुभव अपने समय समय पर उनको इकट्ठित कर रहे थे, तो इस तरह से उसकी शुरुआत हुई। तो हमने जो कुछ प्रारंभिक खंड उसके लिखे, अध्याय लिखे, और फिर मुझे ये लगा कि भाई इसको किसी अच्छे वरिष्ठ जो विधि वेत्ता हैं या इसके विधायी प्रक्रिया के ज्ञाता हैं उनमें से किसी से हमको मार्गदर्शन लेना चाहिए। जी जी जी। तो हमने चूंकि उस तो कोरोना का पीरियड था, मिलना जुलना तो बंद था, जी जी। तो हमने ईमेल के माध्यम से जो हमारे जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं और वो महासचिव भी रहे हैं लोकसभा के, आदरणीय सुभाष कश्यप जी, तो दिल्ली में हमने उनको मेल लिख करके वो अनुरोध किया कि हमने ऐसा ऐसा प्रारंभ किया है, इसमें आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। तो हमने फिर और उसके अध्याय लिखे और फिर उनको भेजा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही उसमें आप चल रहे हैं और इसकी आप जब विषय सूची बनाएंगे तो उसको और विस्तार दे दीजिए, तो दो सुझाव उन्होंने दिए। तो इस तरह से हमारा जो है वो मनोबल बढ़ता गया। जब तक कोरोना काल खत्म हुआ, डेढ़ से पौने दो साल में ये हमारा काम लगभग पूरा हो गया था। लेकिन सर, मैं इस किताब के बारे में जानना चाहूंगी कि यह किताब जो है, ये जैसे आपने कहा कि जो नए जनप्रतिनिधि है उनके लिए काम की है और जो वर्तमान में है उनके लिए भी काम किए, लेकिन इसके अलावा क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो किताब है, ये अगर हमारे सिलेबस है बच्चों के, उसमें अगर इसको शामिल किया जाए तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अभी से संविधान के बारे में भी और हमारी जो राज्य का संविधान है उसके बारे में भी जान सके? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। वैसे बिल्कुल सही है। क्या है, देखिए, लोकतंत्र व्यवस्था में जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होते हैं और जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता करती है या हम आम नागरिक करते हैं। बिल्कुल। तो जितना जागरूक नागरिक होगा उतना बेहतर ढंग से संसदीय व्यवस्था चलेगी। जी जी। तो जो आपने कहा कि युवा पीढ़ी को वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में, संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में, हमारे विधानसभा की कैसे कार्य पद्धति होती है उसके बारे में जानकारी होना बहुत नहायत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि युवा पीढ़ी यदि हमारी जागरूक होगी तो बेहतर ढंग से वो अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का उपयोग करेंगे। और आजकल जैसा रहता है कि निर्वाचन जब होता है, मतदान होता है, लोग कम जाते हैं, छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, तो उसमें भी उनकी रुचि जागृत होगी, क्योंकि उनको पता लगेगा कि बहुत जो विधानसभा की कार्रवाई है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से आप जनजीवन को प्रभावित कर सकते हैं। विधान वहां बनता है, प्रक्रियाएं वहां बनती हैं, शासन की जो नीतियां हैं उनका विश्लेषण वहां होता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हमने इसमें समाहित किया है कि हमारे जनप्रतिनिधि तो उसको उपयोग करके अपनी प्रभावी ढंग से अपनी बात वहां रख सकते हैं, जनहित के विषय उठा सकते हैं। जिस तरीके से आपने अपने अनुभवों को इस किताब में शामिल किया है, जिसका परिणाम है कि आपको मुख्यमंत्री जी ने फिर से आपको एक अवसर दिया है विधानसभा को संभालने के लिए,
तो सर आपको क्या ऐसा लगता है कि इस किताब में इतनी आपने अनुभव आपने साझा किए, इसमें इतना आपका एक्सपीरियंस है, तो क्या जो दूसरे राज्यों में भी आपको क्या कहीं लेक्चर देने के लिए बुलाया जा सकता है, या जैसे संसदीय प्रणाली के बारे में जानकारी देनी हो उसके लिए भी? देखिए, उसके बारे में समय समय पर तो हमको बुलाया जाता है, अन्य राज्यों से भी कई जगह। एक बार गोवा से हमको ऑफर मिला था, वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी तो उन्होंने कहा था यहाँ करके हमको आप एनलाइटन कर दें, जानकारी दे दें। ऐसे कुछ हमारे हिंदी भाषी जो राज्य हैं, बिहार है, झारखंड है, वहाँ से भी हमको ऑफर आया था कि वहाँ जाकर के हम उनके इस संबंध में जानकारी दें। अब जब हम दूसरे देशों की बात करते हैं तो वहाँ का संविधान और हमारे देश का संविधान, इनमें क्या फर्क है और क्या समानता है, इस बारे में आप थोड़ा समझाइए। जहाँ जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ कुछ जगह तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है और कुछ जगह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। जी जी। तो जनरली जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, हमने जो व्यवस्था ली वहीं से, उसको मदर पार्लियामेंट भी कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स को, वहाँ से चूंकि हमारे यहाँ उनका शासन यहाँ रहा तो सारी व्यवस्थाएं उसको हमने, हमारे जो संविधान विशेषज्ञ थे या जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने व्यवस्थाओं को मॉडिफाई करके हमारे देश की आवश्यकता के हिसाब से हमने उसको अडॉप्ट किया। जी जी जी। तो यही प्रक्रियाएं इन देशों में लागू है जहाँ ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। लेकिन जैसे अमेरिका हो गया, वहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली है, तो वहाँ सीधा इलेक्शन राष्ट्रपति का होता है और वहाँ किसी भी मिनिस्टर को ये जरूरत नहीं है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। लेकिन हमारे यहाँ ये जरूरी है कि उसको पहले हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, यानी जनता से चुन करके आना पड़ेगा, फिर वो मिनिस्टर बन सकता है। यदि नहीं चुन के आया तो 6 माह के अंदर उसको फिर से चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ ये अलग है कि वहाँ कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी बिजनेसमैन वहाँ मिनिस्टर बन सकता है, जो प्रेसिडेंट सोचता है कि ये बहुत अच्छा देश हित में अपना योगदान दे सकते हैं। जी जी। तो ये दोनों के उसमें बेसिकली फर्क रहता है। और हमारे यहाँ चूंकि विधायिका के प्रति कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराया गया, जी 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 बिल्कुल, कोई भी निर्णय यदि शासन को लेना है, कार्यपालिका को लेना है, तो उसको सदन में यानी विधानसभा के साथ प्रस्तुत करना होगा। विधान बनाना है तो यहाँ उनको लाना पड़ेगा और बिना विधानसभा की सहमति के वो उसको लागू नहीं कर सकते। जी जी जी। तो इस तरह से ये चेक एंड बैलेंस जो हमारे यहाँ रखा गया है वो बहुत ही प्रभावी है। आपने चूंकि ये बात कही तो मुझे एक याद आ गया वाकया। जी जी। क्या है कि वर्ष 2000 में एक इंटरनेशनल ग्रुप स्टडी एक्सचेंज टीम बनी थी, रोटरी जो आपका समाज सेवी संगठन है उसके माध्यम से, तो उसमें 5 सदस्य थे, राष्ट्रीय स्तर पर उसका सिलेक्शन हुआ था। तो मैं विधायिका की तरफ से समझ लेजिस्लेचर की तरफ से था, एक पत्रकार थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, एक प्रोफेसर थे, एक बिजनेसमैन थे, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज से थे, एक प्रोपोज पे थे। तो सभी, क्योंकि उद्देश्य ये था कि परस्पर जो दूसरे के अपने प्रोफेशन की नॉलेज को एक्सचेंज करना और वहां से जो भी आप सीख सकते हैं वो सीख करके अपने प्रोफेशन को और बेहतर बनाना। लेकिन हम चूंकि उस समय इलेक्शन चल रहा था, सबसे ज्यादा फोकस हमारे ऊपर रहता था, तो यही पहले तो यही क्वेश्चन पूछते जो आपने पूछा कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम और हमारे यहाँ में क्या अंतर है, तो हमको वो एक्सप्लेन करना पड़ता था कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जनता पहले मेंबर पार्लियामेंट चुनती है, फिर मेंबर पार्लियामेंट मिलकर के या तो प्रेसिडेंट वहाँ वो उसको प्रधानमंत्री को चुनते हैं और स्टेट में चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो वो सारा थोड़ा करके फिर उन्होंने लास्ट में हमसे पूछा कि भाई आपके यहाँ तो यू हैव 10 or 20 पार्टीज कोलिशन, व्हाई डोंट यू स्विच ओवर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा है, आपके यहाँ इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती है। जी जी। तो उस समय मैंने कहा था कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जो है दे प्रेफर्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रादर देन स्टेबल गवर्नमेंट। जी जी जी। क्योंकि हमारे यहाँ अगर किसी को बनना है तो जनता के बीच से जो चुन करके आएगा तो उसको जनता की समस्याएं बेहतर ढंग से मालूम होंगी और जनहित के कल्याण के वो निर्णय सही ढंग से ले सकेगा। जी। आपके यहाँ मेंबर पार्लियामेंट जरूरत नहीं, कोई मिनिस्टर बन सकता है। तो हमने कहा रही बात स्टेबिलिटी की, तो जैसे जैसे डेमोक्रेसी मेच्योर होगी, हमारे यूथ जो है अवेयर होंगे, तो वो क्लियर कट मेजोरिटी के साथ चुनेंगे और स्टेबिलिटी आ जाएगी। और आज वही टाइम चल रहा है कि सब जगह कहीं ऐसा स्थिति नहीं है कि कोई हंग पार्लियामेंट हो या हंग असेंबली बनी हो, तो स्टेबिलिटी की बात आ गई। तो इसलिए जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रहता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी आप चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, लेकिन जनता या हमारे जो लोग हैं मतदाता उनका जागरूक होना बहुत जरूरी है, ताकि बेहतर ढंग से अच्छे रिप्रेजेंटेटिव वो चुनेंगे तो व्यवस्थाएं अच्छी चलेंगी। इस किताब के ट्रांसलेशन के लिए भी कोई प्रक्रिया चल रही, क्योंकि हिंदी में तो ठीक है बहुत से हमारे हिंदी भाषी राज्य है वहाँ तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अगर इसको बाहर हमारे इंडिया के बाहर जाए या हमारे जो साउथ की जो स्टेट्स है वहाँ पर भी अगर
इस किताब का लाभ कोई लेना चाहे तो? देखिए अभी तो नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी हम जो उसमें थे, हमारी जयपुर में एक राष्ट्रीय स्तर की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेक्रेटरीज थे उसमें, और बाद में भी तमिलनाडु से, केरल से, गोवा से और आंध्रा से वहाँ के लोगों ने चिट्ठी लिखी है, स्पीकर ने भी लिखी है कि हम अभी आप हिंदी हमको भेज दीजिए, हम हिंदी से ही पढ़ लेंगे, लेकिन इसको अगर आप उसमें ट्रांसलेट कर देंगे तो बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि ये लैंडमार्क बुक है और अभी तक चूँकि स्टेट्स के लिए नहीं है, पार्लियामेंट के लिए तो किताबें उपलब्ध हैं, तो इस अच्छा होगा कि आप इसको करें, तो अभी तो नहीं है, लेकिन हम भविष्य में इसका सोच सकते हैं कि इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम विधानसभा के बारे में कुछ बातें आपसे करेंगे। सुंदर जगह है, एनर्जेटिक लगा, ये जगह भी बहुत अच्छी लगी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, और ये मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में मैंने ये देखा है, सेकंड विजिट में तो यहाँ पे स्वर्ग बना दिया है। This is a bird that I saw in my whole life, I didn't saw that and it was a good experience for me. We can say it's not so far from city, it's within city but it gives a look of a forest. It is a very good place to spend weekend with your family as it is very close to nature. Family outing ke liye aana hai, so this is an ideal place. If you want to enjoy here, have a calm, quiet time to yourself, this is the best place to be. Absolute, fantastic, very good hospitality. बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एंड जगह बहुत अच्छी है, मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और सर मैं विधानसभा के बारे में तो आपसे बात करूंगी, लेकिन मैं आपसे पारिवारिक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मैडम भी पंडित कुंजीलाल दुबे जो विद्यापीठ है वहाँ के संचालक है, और उसके अलावा आपके दोनों बेटे वो भी LLB और LLM करके, आज आपका एक बेटा अमेरिका में है, अटॉर्नी है, तो आप क्या अमेरिका जाएंगे या वो लोग यहाँ आएंगे, क्या इरादा है? ये बिल्कुल सही है, उसने मतलब बड़ा जो बेटा है अलौकिक, उसने किया है LLM, उसने वहाँ वाशिंगटन DC से किया था, जॉर्जटाउन लॉ यूनिवर्सिटी से जी, और उसके बाद फिर वहाँ उन्होंने जो न्यूयॉर्क बार कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे टफ कंपटीशन किसी का होता तो न्यूयॉर्क बार का होता, तो उसने वो भी अपनी मेहनत से पास कर लिया, तो इसके बाद उसको वहाँ अटॉर्नी बन गया, और फिर वो इंटरनेशनल जो टैक्सेशन में वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, जाना तो रुझान उनका यहीं आने का है, हम लोगों को भी हालांकि बुलाते रहते हैं, बीच में कभी
समय मिलता है तो हम लोग जाते हैं जी जी। तो वहाँ का एक अलग अनुभव है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव तो लेना चाहिए क्योंकि वो भी लाइफ में बड़ा काउंट होता है। सर अब मैं जानना चाहूँगी हम विधानसभा से जुड़ी जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, उस बारे में। जैसे जनरली हम विधानसभा में जाते हैं तो विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो कहते हैं कि इस मुद्दे को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, और अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो कहते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में इसे भेजा जाए, और जब वो मुद्दा की बात आती है तो जो सत्ता पक्ष जनरली घबराता है कि इसे नहीं भेजना चाहिए। तो क्या है ये सेलेक्ट कमेटी और जेपीसी, इसमें किन मुद्दों पर ज़्यादातर ऐसी बात सामने आ जाती है? जो हमारी विधानमंडल की प्रक्रिया है, संसद की जो प्रक्रिया है जी, उसमें कोई भी पॉलिसी बननी हो या विधान बनना हो उसकी कुछ प्रक्रियाएं वहाँ निर्धारित की गई हैं। उद्देश्य यही है कि वो बहुत हड़बड़ी में या बहुत जल्दी में कोई निर्णय ना हो जाए जी जी। तो एक जैसे विधेयक आता है, बिल आता है, जिसमें विधान बनता है उसको विधेयक कहते हैं, उसका ड्राफ्ट रहता है। तो शासन को किसी मुद्दे पर कानून की आवश्यकता है तो वो विधेयक के रूप में ड्राफ्ट मंत्री के थ्रू विधानसभा में आता है जी जी जी। और उसको फर्स्ट स्टेज को कहते हैं इंट्रोडक्शन। जब इंट्रोड्यूस हो गया तो सदन की प्रॉपर्टी बन गया और उसमें अब कोई भी जो मेंबर है हमारे विधानसभा का वो उसमें सुझाव के रूप में संशोधन दे सकता है। और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज जो आती है वो कंसिडरेशन या विचार की स्थिति होती है, उसमें उसके क्लॉज वाइज जितने भी खंड होते हैं उन पर विचार होता है। जो प्रस्तुतकर्ता विधेयक वो है मंत्री है, वो ये कह सकता है कि चूंकि इसमें काफी विस्तार से और जनहित के विषयों को और गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है तो सदन की एक कमेटी बना दी जाए, इसको सिलेक्ट कमेटी कहते हैं, प्रवर समिति इसको कहते हैं, जो एक्सक्लूसिवली केवल इसी मुद्दे को इसी मुद्दे पर काम करेगी, तो इसलिए वो सिलेक्ट कमेटी कहलाती है। और जो आप जेपीसी की बात कर रहे हैं वो कोई विषय जिसमें कि अगर किसी जांच की आवश्यकता होती है, कोई ऐसा करंट कोई इशू पैदा हो गया है जिसका कि अभी एकदम तुरंत कहीं रिजॉल्व नहीं हुआ है वो जी जी। और बृहद स्वरूप से उसकी जांच की आवश्यकता है तो वो सर्वदलीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कहलाती है, जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के भी रहते हैं, राज्यसभा के रहते हैं और सभी दलों के रहते हैं जी जी। तो उनकी एक ज्वाइंट कमेटी उसमें बनाते हैं और वो कमेटी फिर विस्तार से चर्चा करती है तो वो किसी को भी बुला सकती है जी जी। जो भी चाहे कितनी बड़ी अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व हो, यदि उसको लगता है कि इनकी साक्ष्य बुलाने की आवश्यकता है तो वो उनको साक्ष्य में बुला करके उनकी बात सुनेगी कि ये मुद्दा आपने कैसे, ये कार्रवाई आपने कैसे की, इसमें क्या आपका आधार है। तो उसमें जो है कोई उसमें बच नहीं सकता है, सभी लोग उसमें उसके दायरे में आ जाते हैं। तो जनरली जो है ये रहता है कि चूंकि समय उसमें ज्यादा लगता है और कई बार वो पॉलिटिकल स्वरूप ना ले ले जी जी। तो सर ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, चाहे मंत्री हो चाहे दूसरे और भी कोई अधिकारी हो, तो उनका डिस्कशन होता है, इसको मीडिया के साथ शेयर कर सकते हैं क्या? देखिए अभी तक जो है जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं ये काफी अभी बहस चल भी रही है कि इनको मीडिया के लिए खोलना चाहिए जी जी, पर अभी ये खोला नहीं गया है और ये सब इन कैमरा बैठक होती है। मीडिया में जब तक कोई बात नहीं आती, जब तक कि उसका प्रतिवेदन बन के सदन के पटल पर नहीं जाए जी जी जी। जब तक आरटीआई वगैरह कहीं पे भी जानकारियां वो नहीं दी जाती। उद्देश्य उसका यही है कि चूंकि ये सर्वदलीय होती है और नॉन पार्टी बेसिस पे काम करे, क्योंकि यदि मीडिया के सामने आएगा तो फिर पार्टी लाइन लोग लेने चले शुरू कर देंगे, इसलिए ये जो है सर्वसहमति से प्रयास ये किया जाता है कि ऐसी कमेटियों में सर्व सहमति का निर्णय हो। लेकिन कई बार होता है कि जेपीसी में ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है उसी के अगेंस्ट होता है या उसी से जुड़ा हुआ होता है, तो जनरली जो पक्ष है वो घबराता है कि जेपीसी में नहीं जाना चाहिए मुद्दा, इस बारे में क्या सोच? क्योंकि मेंबर्स तो पार्टी उससे जुड़े ही रहते हैं जी जी जी। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल इश्यूज को बना करके और किसी और दिशा में वो चला जाए, और समय भी इसमें ज्यादा लगता है कई बार। कई बार सत्ता दल चाहता है कि ये इशू बना है कि तत्काल इसका रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ज्यादा देर रहेगा तो मीडिया में रहेगा, इधर रहेगा, चर्चा का विषय रहेगा, उसके अगेंस्ट माहौल बनता रहेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी वो रिजॉल्व हो जाए तो वो ऐसे दूसरे और माध्यम बनाते हैं कि उसके माध्यम से इसकी जाँच हो जाएगी। जब तत्परता से हम समय इसमें समय बांधते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो समय पूरा हो जाए। इस सदन में मान लीजिए आज अभी सत्र चल रहा है और जेपीसी गठित हुई और ये कह दिया कि अगला जो विधानसभा उसका पार्लियामेंट का सेशन आएगा उसके पहले वो रिपोर्ट दे देंगे जी जी। अब सेशन भी 6 महीने के अंतराल में आना ही आना होता है, तो कई बार ये होता है कि समिति कहती है कि नहीं, हम तो दूसरे राज्यों में जाएंगे जहां ये इशू और भी बेहतर ढंग से वहाँ डील करने की आवश्यकता है जी जी। या हमको कहीं बाहर से भी इसमें ओपिनियन मंगाने की आवश्यकता है, किसी और को सुनने की आवश्यकता है, तो समय वो बनते नहीं है। फिर वो उसको समय वृद्धि की बात करते हैं कि नहीं अभी हमको और 3 महीने की आवश्यकता है, तो वो टाइम लिंगर ऑन हो जाता है। इसलिए भी कई बार ये बचते हैं कि इसमें समय ज्यादा लग जाएगा,
और इशू जिस उद्देश्य से था वो रिजॉल्व ना हो, क्योंकि जेपीसी बनती तभी है जब सत्ता पक्ष भी तैयार हो। विपक्ष तो मांग करता ही करता है, लेकिन जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं होते जब तक जेपीसी गठित लोकसभा अध्यक्ष को ही करनी होती है या विधानसभा राज्यसभा में हो रही है तो राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं। जी जी जी, तो सर ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है। और अब मैं जानना चाहूंगी कि जो हम ई विधान की बात कर रहे हैं कि ये जो है ई विधान बन जाना चाहिए मध्य प्रदेश विधानसभा में, इसमें क्या काम चल रहा है और कब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? देखिए ये एक वैसे तो अब केंद्र का भी प्रोजेक्ट बन गया है, वन नेशन वन एप्लीकेशन करके नेवा जिसको कहते हैं, तो सभी राज्यों ने अपने अपने प्रोजेक्ट बना करके दिए हुए हैं और जो केंद्र का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है, संघीय मंत्रालय, वो इसको देख रहा है। जी जी। तो उन्होंने एक मॉडल बनाया है और जो NIC के थ्रू और दूसरा तो उसमें लोगों ने अपने अपने विधानसभाओं ने कुछ ने अडोप्ट किए हैं और कुछ विधानसभाओं ने अपने मॉडल विकसित किए हैं। जी जी। तो अभी हमारे माननीय अध्यक्ष विधानसभा एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के जो विभिन्न समितियों के सभापति उनके साथ दक्षिण भारत के दौरे पर गए थे, वो केरल भी, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र ऐसे, तो उन्होंने यही देखने के लिए गए थे कि किन राज्यों ने ये जो केंद्र का मॉडल है वो अडॉप्ट किया है और किन उन्होंने अपना बनाया है। मध्य प्रदेश में भी हमने प्रोजेक्ट जमा कर दिया था और हमने तो जब मैं बना 2016 से सारे हमारे विभाग हैं ऑनलाइन क्वेश्चंस लेते हैं, ऑनलाइन जानकारियां हम देते हैं और भी बहुत सारे हमारे जो सदन की जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं उनकी जानकारी भी हम ऑनलाइन ही आदान प्रदान करते हैं, तो काफी व्यवस्थाएं तो हमारी सुचारू रूप से चली रही हैं। केवल इसके लिए हमने औपचारिक जो प्रोजेक्ट बना के दिया हुआ है तो वो पहले तो हमने नेवा के लिए दिया था, लेकिन अब केंद्र में चूंकि इसमें राज्य शासन का और केंद्र के साथ और विधानसभा तीनों के साथ एक समझौता होना है, तो तीनों लोगों के साथ जब अनुबंध होगा तो तीनों की सहमति के साथ फिर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। तो हमने राज्य शासन को भेजा हुआ है, राज्य शासन की एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है, तो कुछ शेयर सेंटर का रहता है, कुछ राज्य शासन देता है, तो उस हाई पावर कमेटी से वो अनुमोदन होना है, अनुमोदन के बाद फिर हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा और फिर कार्रवाई आगे बढ़ेंगी। अब सदन में केवल विधायकों के लिए लैपटॉप वगैरह लगाना और व्यवस्थाएं उनको जुटाना और उनको फिर प्रशिक्षित करना कि वो अपना उसका उपयोग करना सीख जाएं, तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। जी। एक और प्रोजेक्ट की बात करना चाहूंगी मैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा का सीधा प्रसारण, स्पीकर महोदय का भी इंटरव्यू, तब भी उन्होंने ये बात की थी, तो कब तक यह हो जाएगा? देखिए इसके संबंध में हमारी कार्रवाइयां चल रही हैं, हमने दूरदर्शन को भी लिखा हुआ है कि आप इसको अगर हमारे यहाँ करते हैं सीधा प्रसारण तो क्या प्रक्रिया आपकी होगी। क्या होता है कि जब विधानसभा कार्रवाई चलती है और प्रसारण आप कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कई बार ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसी स्थिति बनती है कि जिसमें शोर शराबा हो रहा है या कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री कथन सदस्यों के द्वारा कर दिया गया और फिर आसन भी उसको विलोपित करती है। जी जी जी। तो वो कथन विलोपित होने के बाद जाए उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, आप कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे, डिले करके उसको रिले करें, क्या करेंगे, तो इन कुछ इश्यूज पर हमने उनको जानकारियां मांगी थी, वो जानकारी अभी आना शेष है। इसके साथ ही साथ फिर सभी दलों के साथ अध्यक्ष चर्चा करके फिर उस पर निर्णय लेना है, इसलिए अभी वो हमारे यहाँ लंबित है, थोड़ा लंबित है। लंबित उसके बाद उस पर निर्णय होगा। आपको अभी एक एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है, उस बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जो काम किया था कोरोना के वक्त, जो सत्र भी चलाया था, उस बारे में आप बताइए कि किस तरीके से आपने ये किया। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, कोरोना का जो पीरियड था बड़ा चुनौतीपूर्ण समय था उस पूरे देश के लिए और हमारे यहाँ के लिए, जिसका आपने अच्छा उपयोग भी किया किताब लिखने में अपनी। तो लेकिन क्या है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जी जी। उनको सुचारू रूप से संचालित होना भी उतना ही जरूरी है जी जी। तो अमूमन ये रहता था कि बहुत सारे जो है जगह पर सत्र नहीं हो पाए या बहुत नॉमिनल हुए और खत्म कर दिए गए, लेकिन हमने ये उस पर विचार करके प्रयास किया कि कोरोना के पीरियड में भी ये व्यवस्थाएं चलती रहें, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए, राज्यसभा का इलेक्शन भी हमने उसी दौरान कराया था और बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया चुनाव आयोग द्वारा, तो हमने वर्चुअल और हाइब्रिड मोड जिसको कहते हैं और एक्चुअल मोड, दोनों मोड का हमने उपयोग किया उसमें जी जी। हमने हाउस में बड़े बड़े कैमरे स्क्रीन लगाए थे और मेंबर जो हमारे थे विधानसभा के सदस्य थे उनको ये व्यवस्था दी गई थी, सुविधा दी गई थी कि वो जिला स्तर पर
जो हमारे NIC का जिला केंद्र है जी, वहाँ अपना आई कार्ड लेकर के जाएंगे और वहाँ के माध्यम से वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कोई अस्वस्थ है, कोई इस स्थिति में नहीं है कि विधानसभा में नहीं आना चाहता है, क्योंकि उपस्थिति भी कम रखनी थी हमको, डिस्टेंस के साथ उनको करना था, तो उसमें हमने हाइब्रिड मोड में उसको चलाया। तो हमारे 2-3 सेशन बहुत ही सक्सेसफुल हुए और पूरे दूसरे राज्यों ने भी उसको बड़ा सराहा, एक आध दो राज्यों ने उसको अडोप्ट करने के प्रयास भी किया। तो वो हमारे पर एक बड़ा एक तरह से नवाचार था कि कोरोना के काल में भी विधानसभा की कार्रवाइयाँ पूरी चली, विधायकों ने वहाँ से अपने राज्य अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ करके और प्रश्न पूछे और यहाँ मंत्री ने सदन में से उसका जवाब भी दिए और कुछ मुद्दे भी उठाए। तो इस तरह से ये बड़ा सक्सेसफुल एक हमारा प्रोजेक्ट था या प्रयास था वो हुआ और सारी कार्रवाइयाँ हमारी सुचारू रूप से चली, बड़ी सुरक्षित चली, कोई ऐसा स्थिति नहीं बनी कि बहुत कोई उसका प्रकोप हमारे विधानसभा परिसर में या माननीय विधायकों को कोई ऐसी परेशानी हुई है। तो लोकसभा अध्यक्ष यहाँ आए थे, तो माननीय जो उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट मंत्री और दूसरे उनको जो दिया था सम्मान, उसी में उन्होंने भी उत्कृष्ट संसदीय सेवा का सम्मान फिर मुझे भी दिया है। मेरा सौभाग्य कि मुझे वो प्राप्त हुआ। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। अब हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, तो उसके पूर्व हमारे विधानसभा की क्या तैयारियाँ रहेगी? देखिए ये बिल्कुल सही है कि अब चूंकि चुनाव का वर्ष है ये और चुनाव प्रारंभ होने वाला है, आगे होगा 6 महीने के उसके बाद जी, लेकिन उसके पहले एक विधानसभा का सत्र होगा जी, मानसून सत्र हो सकता है वो। तो उसका भी स्वरूप यही होगा कि क्योंकि शासन को कुछ विधान की आवश्यकता होती है, कुछ फंड की आवश्यकता है, अनुपूरक बजट आएगा, सारी चीजें आएंगी और चूंकि चुनाव का समय नजदीक होगा तो प्रतिपक्ष के सदस्य भी प्रभावी ढंग से अपने जनहित के विषय या जो जन समस्याएं उनको उठाने का प्रयास करेंगे। तो सत्र तो जितने लंबे उतना अच्छा है, जनहित के लिए अच्छा रहता है, सत्र की बैठकें तो पूरी चलनी चाहिए, लेकिन ये सत्र होगा और हंगामेदार हो सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक होगा। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का और जनता के बीच में अपना मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि हम बहुत बेहतर ढंग से अपना अपना जो हमारा दायित्व है उसका हम निर्वहन सदन में कर रहे हैं। तो ये प्रयास उनका होगा तो बड़ा गंभीर। तो ये सर इसकी तैयारियां भी बड़ी जोर शोर से रहेगी और बहुत इससे रहेगी क्योंकि इम्पोर्टेंट रहेगा ये, उसके पहले हो रहा है तो क्योंकि सबकी नजरें भी उसी पर रहेगी। हाँ ये तो सत्र की तो रहेंगी फिर क्या, जैसे ही विधानसभा का जब निर्वाचन हो जाएगा तो नई जो विधानसभा गठित होती है उसके लिए बहुत सारी तैयारियां विधानसभा सचिवालय को करनी होती हैं, तो वो सब हम लोग प्रारंभ अभी से कर दिया है उसमें। तो वो तैयारियां होंगी क्योंकि नया गठित होगा, नए विधायकों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सारा साहित्य हमको तैयार करके उनको उपलब्ध कराना होता है तात्कालिक रूप से जी जी। तो इस तरह से अन्य व्यवस्थाएं उनको कैसे, उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा क्योंकि नए आएंगे, उसकी रिजल्ट आने के बाद लिस्ट पब्लिश होती है, तो सारी व्यवस्थाएं विधानसभा सचिवालय को करनी पड़ती हैं। कितने सदस्य नए आते हैं, कोई पुराने आते हैं तो कम उनका व्यवस्थाएं बनी हुई होती हैं, लेकिन ज्यादातर नए सदस्य आए तो उनके लिए नए सिरे से उनको प्रबोधन भी कराना पड़ता है, तो ये सारी तैयारियां विधानसभा सचिवालय करेगा। मेरा आखिरी सवाल बस ये है, आप हमारे इस महुआ हाउस के बारे में कुछ बताएं। आजकल जो वातावरण चल रहा है सब तरफ पोल्यूशन की और उसकी प्रदूषण की बात है जी। तो महुआ हाउस इस दिशा के लिए बहुत अच्छा स्थान है ये, प्रकृति के बीच में जो कोई भी रहे, एक तो नेचुरल वे में आप उसमें जो भी एनवायरनमेंट होता है उसका लाभ उसको मिलता है, चाहे आप मानसिक रूप से हों चाहे शारीरिक रूप से हो, दोनों तरफ से अच्छा माहौल रहता है। तो ये प्रकृति के बीच में आपने महुआ हाउस बनाया है, बहुत अच्छा है, ये सराहनीय स्थान है और मैं कहूँगा कि इतनी इस शहर की भीड़ भाड़ के बीच में इस तरह के स्थान की तो अब सतत आवश्यकता है, जैसे जैसे समय और बदलता जा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ के नागरिकों के लिए और बुद्धिजीवियों के लिए एक अच्छा स्थल है, यहाँ आकर के आप वीकेंड में भी सुकून से रह सकते हैं, कुछ विचार मंथन चिंतन यहाँ कर सकते हैं, कोई लेखन कार्य करना चाहे तो उसके लिए भी मुझे लगता है उपयुक्त विषय है क्योंकि शांति है और प्रकृति का माहौल है। अभी हम देख रहे थे कि चिड़ियों की चहचहाट थी, तो ये सारी चीज़ें शहर में मिसिंग हैं जो यहाँ मिल रही हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास है, हम आप सबको बधाई देते हैं इसके लिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको फिर से हम यह बधाई दें कि आप एक साल और आपका मध्य प्रदेश विधानसभा में आपका एक्सटेंशन हुआ है और मुख्यमंत्री जी और स्पीकर साहब ने आपके अनुभवों को देखते हुए ये जिम्मेदारी आपको पुनः सौंपी है। तो सर अब हम इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।